भोपाल से चलिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 दिन की छुट्टी के बाद आज एक बार फिर से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण के नामांकन के लिए बचे हैं 2 दिन। कल दोपहर 3 बजे नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। पहले चरण में अब तक 16 नामांकन भरे गए हैं। 4 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन बाकी हैं। बालाघाट मंडला में कांग्रेस के नामांकन बाकी हैं। जबलपुर और छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नामांकन बाकी हैं। 2 सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन भी बाकी हैं। वहीं जबलपुर छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी नामांकन आज करने वाले हैं। प्रमोद शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद, नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत आज एक बार फिर से होने वाली है और छिंदवाड़ा में नकुल नाथ भी आज ही नामांकन भरने वाले हैं, जिसके बाद शक्ति प्रदर्शन भी यहां पर किया जाएगा। देखिए, सैटरडे संडे और मंडे की होली छुट्टी के बाद अब आज और कल 2 दिन नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे। मध्य प्रदेश की जिन 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है, उनके नामांकन फॉर्म या पर्चा भरने की जो दाखिल करने की जो तारीख है वो 27 है और आज से फिर से नामांकन फॉर्म भरने का देखिए दौर शुरू होगा और कल दोपहर 3 बजे तक नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे। कई जगह छिंदवाड़ा जाइए या दूसरी सीटों पर जाइए, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म नहीं भरे, वो भरते नजर आएंगे और मध्य प्रदेश में सियासी पारा भी चढ़ेगा। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और उन सीटों पर जो पर्चा भरने की आखिरी तारीख है वो 27 मार्च यानी कल है। आज और कल 2 दिन बचे हैं, जो तैयारी करनी है चाहे वो निर्दलीय हो या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो देखिए पर्चा भरते नजर आएंगे। आज छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद अलका नाथ, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का जलसा निकलेगा। रोड शो के जरिए वहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद और वर्तमान में प्रत्याशी छिंदवाड़ा से नकुलनाथ फॉर्म भरेंगे। ऐसे ही दूसरी सीटों पर भी आप देखेंगे तो प्रत्याशी देखिए अपने राजनीतिक भविष्य की जो दरख्वास्त है वो चुनाव आयोग के दर पर लेकर जाएंगे, क्योंकि कल आखिरी दिन है तो प्रत्याशी चाहते हैं कि जो पर्चा दाखिल करने का काम है वो समय रहते पहले ही हो जाए। ठीक है प्रमोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 3 दिन की छुट्टी के बाद आज एक बार फिर से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और कल दोपहर 3 बजे तक नामांकन पहले चरण के लिए भरे जाएंगे।